अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफसोस के साथ आज बतारीख 24 जनवरी बरोजे मंगल दिन के ठीक 12:30 बजे से 1 बजे के दरमियान मुझे जो है कुछ मीडिया नुमाइंदों ने इत्तला दी और वहाँ के मुजाविर ने जो तो मुझे इत्तला दी कि जो है कोहे इमाम जामीन तालीमी कोहे इमाम जामीन वाक़े तिलमलगिरी कोहे इमाम जामीन तिलमलगिरी जहाँ पर 5 दिसंबर को जो कब्ज़ा हुआ था उसके बाद अलकौसर ट्रस्ट का पहला एप्लीकेशन था और उसके बाद कादिम ने भी जो तो वहाँ पर जो तो पुलिस में वक्फ बोर्ड में और चेयरमैन वक्फ बोर्ड को जो है नुमाइंदगी की थी। उसके बाद शिया कौम के मायनाज मौजी शख्सियतें जनाब रियाजुल हसन अपंदी साहब जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब और दीगर और वक्फ बोर्ड के अहदेदारान ने जो है यहाँ पहुँच कर जो तो PS में नुमाइंदगी की थी तिलमलगिरी में। फिर इसके बाद 6 दिसंबर से काम रुक गया था और उस वक्त भी JCB और दूसरे गाड़ियों को सीज किया गया था, लेकिन आज 24 जनवरी को जो है मुझे फिर इत्तला मिली कि उसी ताकत के साथ 3 से 4 JCP लगाकर वहाँ पर काम हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये दर्जे औकाफ शिया वक्फ प्रॉपर्टी है, इसको जो है तो हमने जब नुमाइंदगी करने के बाद दोबारा दिसंबर में जो है तो एक मरतबा फिर वहाँ पर पूरे कायदीन ने दौरा किए और वहाँ के जो कोर्ट के मसाइल थे उसको भी देखा और जनवरी 1st वीक में तेलंगाना स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जानिब से फिर एक मरतबा रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया और हमको ये बताया गया कि उस पर स्टे लिया गया, मगर स्टे लिया गया या ना तो मीडिया में दिया गया ना तो व्हाट्सएप पे दिया गया ना फेसबुक पे ना ट्विटर पे ना कुछ नहीं। फिर आज जो है तो पूरे 20 दिन के बाद फिर एक मरतबा दोबारा वहाँ जो काम स्टार्ट हो चुका, आप ये देखिए, आप ये JCP चल रहा है, ये देखिए वहाँ पर जो तो नॉन मुस्लिम लोग पहुँच चुके हैं और गुत्तेदार पहुँच चुके हैं। मैं आज चूँकि आज से जो तो शिया फिरके में बहुत बड़ी जो तो ईद की जो तो मौके पर यानी विलादत मौलाए कायनात के सिलसिले में मसरूफियात में रहते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हुए फिर एक मरतबा वहाँ पर कोहे इमाम जामीन तिलमलगिरी अंडर PS लिमिट तिलमलगिरी मंडल तिलमलगिरी कलेक्टर हैदराबाद के लिमिट में आता है। मैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड साहब से और वहाँ के अभी न्यू CO जनाब काजा मोइनुद्दीन साहब से और जनाब मुनवर साहब से जनाब इब्राहिम साहब से वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर सैयद अली साहब कादर साहब सलीम साहब और ये तमाम जो के अलावा हॉनरेबल मेंबर साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी क्या है जानकारी फौरी करिए, क्या आपका स्टे कैंसिल हो गया, क्या मुकदमा हार गए आप, क्या जो है तो कोर्ट में केस चल रहा है, इसकी जानकारी फौरी होना चाहिए, अगर वरना शिया कौम के तो कई एक जो तो नौजवान कोई इमाम जामीन जाकर कानून को जो तो साथ लेकर काम रुकाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये आवाज़ News14 और UTV के ज़रिए और दीगर जो तो चैनलों के थ्रू जो है अभी इत्तला दे रहा हूँ। दिन के ठीक 1 बजे मुझे 12:30 1 बजे इत्तला मिली, मैंने फौरी जो तो मीडिया नुमाइंदों को बुलाकर इसकी इत्तला दे रहा हूँ और इस पर अभी जो है तो अलकौसर ट्रस्ट के भी कुछ लोगों को मैं इन्फॉर्म किया हूँ, वहाँ के मैनेजर जनाब काजिम साहब को मसूद साहब को अलकौसर ट्रस्ट के जनाब नज़ीर आबेदी साहब, क्योंकि वो लोग का तो काम ख़त्म हो गया है उसके बावजूद भी वो निगरानी कर रहे हैं, और मुजाविर को भी मैं काजिम अली को भी और आपके थ्रू न्यूज़ के थ्रू जो तो News14 के थ्रू UTV के थ्रू गवर्नमेंट को आवाज़ दे रहा हूँ कि हमारी शिया औकाफ़ी जायदादों की तबाही जो हो रही है और इतनी जो तो मजबूती के साथ हो रही है, हाई कोर्ट में केस सबमिट होने के बाद रिव्यू पिटीशन शामिल होने के बाद क्या वो पिटीशन खारिज हो गया है, खारिज हो गया है तो फिर इसीलिए दोबारा जो तो काम शुरू हुआ है। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस फौरी जो है तो इस पर एहतजाज करता हूँ और इसको काम रुकाने का मुतालबा करता हूँ। वक्फ बोर्ड की है तो ये अब 13 दिन तक हमारे मोमिनीन जो तो शिया उलमा जाकिरीन नौजवान सब हज़रत अली की विलादत की तकरीबात में मसरूफ रहते हैं, लिहाजा इस तरह से अभी औकाफ़ी जायदाद की तबाही हो रही है। मैं आपको जो तो इत्तला देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस और मीडिया का, इस पर फौरी कार्रवाई करने के लिए आप हुकूमत तक मेरी आवाज़ पहुँचा दें।